तो जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। सुबह सुबह के टाइम में मैं दूध दे के आई। दूध देने के बाद मैंने घास रूटा और अभी मैं जो घास दे रही हूँ गायों को, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी आंगन में। आजकल लगा हुआ है काम, तो बड़े बुरे हालात हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने घास रूट दिया, सुबह सुबह बहुत सारा काम किया। तो फिर मैं एक ही बार में जाती हूँ ऊपर चाय पीने। तो दो गायों को मैंने दे दिया है, एक डाल में और भरूंगी, अभी सिया को देने को है। और जब ना आपके मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि अभी ना जब हमारे काउशेड बन जाएगा तो उसमें टोके के लिए भी हम अंदर ही जगह रख रहे हैं, सब हर चीज़ के लिए, ठीक है। और गाय का जो दाना फीड वगैरह होती है सब कुछ, उसके लिए भी अंदर ही जगह होगी। तो मतलब जो है काफ़ी काफ़ी जो है उरली साइड से जो भी गंद वगैरह पड़ा रहता है ना, सारा घास गोबर चिक्कड़, अब जब जहाँ पे पशु होंगे ना वहाँ तो गंद होता ही होता है, तो वो सारा परली साइड चला जाएगा, साफ़ सफाई बढ़िया हो जाएगी। आज बताऊंगी आपको, रोज़ बोलती हूँ मैं आज बताऊंगी आज बताऊंगी, बताती हूँ नहीं, मेरे को ध्यान नहीं रहता फिर कि वीडियो बनाने का, मैं इतना बिजी होती हूँ आजकल काम में। और ये इसमें मैंने तीन चार चीज़ें रूटी है, घास, ब्यूड़ मतलब हरा जो ग्यूड़ होता है हमारे, और टेंडे, तीन चार चीज़ें रूटी हैं इसमें। और इसके बाद फिर मैं ना गायों को दे आई थी घास, उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगी थी लगाने। तो यहाँ पे कल ये ऐसा होता है ना भाई, जब मैं खुद बांधू पशु तब तो मैं साथ साथ में लगा देती हूँ, जब ये लोग बांधते हैं, कल शाम को शायद हनी के पापा ने बांधी थी, तब नहीं होता, तब बस दूसरे दिन लगाना पड़ता है। तो सुबह 5 बजे से जो उठ के जो काम होता है, बस गायों का काम जो है ना सुबह सुबह करना पड़ता है, जितना भी ये सारा सवेरे सवेरे निपटाना पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा दिन लगे रहो, फिर खाना भी बनेगा, काम वाले भी लगे, घास भी आएगा, बहुत सारा काम पड़ जाता है। तो यहाँ खुरलियाँ नहीं है ना, और परे धूप नहीं आती। अब जहाँ पे हम परे बांधा करेंगे ना वहाँ तो सुबह ही धूप आ जाया करेगी, सुबह सुबह ही धूप आ जाया करेगी। तो बस अपने सुबह पशु बांध दिए बाहर, तो ये भी एक दिक्कत ही रहेगी। जब से हमने ऊपर वाली मंजिल डाली है ना तब से धूप रुकी पशुओं की, वैसे तो धूप आती थी यहाँ पे। फिर हमें सारे आंगन में इधर ये करना पड़ता है, फिर हमारा आंगन साफ सुथरा रहा करेगा, फिर हम इधर फूल वगैरह लगा सकते हैं जो भी लगाना होगा, नहीं इस तरह से। और अब मैं इस वाले आंगन में देखो, दो जगह पूरा, मतलब ये सोचा पूरा गोबर से और घास से भरी रहते हैं दोनों आंगन, परे वाला भी ये वाला भी। ये देखो यहाँ पे शाम के टाइम बांधते हैं, फिर परे छाया जाती है गेट के पास। अब सुबह 9 बजे बाहर बांधते हैं, फिर 1-2 बजे हम इनको यहाँ को ले आते हैं दिन को। तो ऊपर से ब्यूड़ वगैरह पत्ते भी नीचे पड़े होते हैं। यहाँ पे महाम भी सवेरे सवेरे जला दिया, क्योंकि 9 बजे जब हम पशु बाहर लाएंगे तो मेरी एक आधी गाय को आदत है, एक दो गाय को आदत है कि सुबह सुबह पानी पीती है, फिर सुबह सुबह ठंडा पानी नहीं दे सकते है ना, तो इसलिए मैं महाम में जो है पानी गर्म करके रखती हूँ और फिर मिक्स करके हम पिला देते हैं, गर्म ठंडा पानी पिला देते हैं पशुओं को। और ठंडा नहीं पिलाना चाहिए सर्दियों में। आज मेरे मुँह में बहुत ज़्यादा सोजिश है, पता नहीं कोलेस्ट्रोल बढ़ा है मेरा कि क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ तो दिक्कत है। तो बस गोई टू डाल देते हैं हम इसमें और ये पानी गर्म होता रहता है अपने आप। इसके पास ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि यहाँ खड़े रहो,
बस थोड़ी देर बाद चेक करती हूँ मैं कि हो गया गर्म पानी। फिर इसमें काफ़ी देर तक गर्म ही रहता है। ये भी इसका सुख और अच्छे वाला हमाम है ये ऐसे नहीं है कि मतलब सपाट है जल्दी ठंडा हो जाएगा, नहीं बहुत निगर बहुत सख्त है। तो इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है भाई पशुओं के लिए, तो खुट्टी तोड़नी पड़ती है अपनी। ऐसी कहावत होती है हमारे यहाँ पे। अब मैं सब्जी बनाऊंगी ऊपर जाके। तो जय माता दी, राम राम, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो सर्दियाँ कैसी आप लोगों के बताना ज़रूर, हमारे तो बहुत ज़्यादा हो गई, पहाड़ों में ही दिक्कत होती है। गर्मियों में तो मज़े रहते हैं पर सर्दियों में समस्या हो जाती है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, आँख मेरी ना अभी भी लाल ही है, मेरे को शायद बुखार है। और अभी जो है मैं ना ये कर रही हूँ, कटहल बनाने जा रही हूँ। कल सब्जी वालों से ना बहुत सारी सब्जियाँ ली थी मैंने, 750 रुपये की सब्जियाँ लेते हैं वैसे ही हफ्ते दो हफ्ते बाद। तो कुछ मैंने चीरी, कुछ अम्मा मसाला चीर रही है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये ना छिल्ला हुआ ही आया था, पीछे से ही छिल्ला हुआ आया था। और यहाँ पे अम्मा ना लहसुन प्याज की तैयारी कर ली है, और यहाँ पे मैंने टमाटर काट दिए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कटहल, बनाऊंगी आज इसको तल के। और मेरे को अच्छा लगता है, तल के भी ठीक होता है, बिना तला भी ठीक होता है, पर आज मैं तल के बना रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का तो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, ये देखो इसे थोड़ा थोड़ा इसको तलेंगे। तो क्योंकि मैंने आधा ही किलो लिया था, 40 रुपए का आधा किलो आया था। आप लोग बताना आप लोगों के क्या रेट है कटहल का। हमारे तो 40 रुपए का आधा किलो आया था, यानी कि 80 रुपए किलो है। 55 रुपए किलो प्याज दिया। मैं बताऊंगी आपको कि कितने कितनी क्या क्या सब्जियां मिली और क्या क्या हमने लिया था, ठीक है। जो मेरे को ध्यान आता रहेगा वो बताती रहूंगी। 25 रुपए आलू है, ये देखो। अभी इसको हम तल देते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आपको मैं मिलती हूँ मसाला वगैरह तैयार करके, ठीक है। तो ये हम तल रहे हैं इसको, और हो ही गया तल दिया मतलब। मेरे को बड़ी मुश्किल हो गई है, मैं ग्रेवी टमाटर वगैरह वो करने की, आज मैं ऐसे ही साबुत ही, क्योंकि मशीन इन लोगों ने खराब कर दी है। चलिए जी ये तो हो गया है, हम इसको उठा देते हैं, बाकी का मैं। तो चलिए अभी हम करते हैं शुरू। मैंने तल दिया है वो कटहल अपना, और अभी हम इसमें आज मेरी बाजू दर्द हो गई पता नहीं कैसे, आजकल जीरा भी नहीं है, जीरा खत्म। चलो जी गया धनिया, किस दिन धनिया के मिर्चे मैंने आज पीस दी है। अभी मैंने डाल दिए इसमें, तो ये देखो हमने ये हो गया हमारा यहाँ पे मसाला। और अभी हम डालेंगे इसमें कूटा हुआ अदरक और लहसुन, ये देखो। अभी इसको भूनने देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखें ये देखो यहाँ पे हो गया हमारा मसाला, और ये डाल दिया ढेर सारे टमाटर, ठीक है। ये हो गए थे ढेर सारे टमाटर, और इसमें डालूंगी मैं अब नमक। नमक डर से क्या होगा ना कि ये हो जाएगा, गल जाएगा हमारा टमाटर बढ़िया से। तो अभी मैं इसको ना इस तरह से कर दूंगी, फिर टमाटर हमारे अच्छे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने इनकी प्यूरी बनाई है। देखिए जहाँ देखा मैं देख देख देखा मैं देख।
ये देखो ये हमारा बढ़िया करके अच्छी ग्रेवी है। देखो एक मिनट में ये बड़ी ग्रेवी खतरनाक वाली ग्रेवी। अभी हम इसमें डाल देंगे अपना कटहल जो भी था सारा के सारा, ठीक है। और अभी हम इसको इस तरह से थोड़ी देर इसके ना राड़ लगा लेंगे। हम देख रहे हम हमारे कटहल भी तो अभी हम थोड़ी देर इसको राड़ लगा लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। मसाले आजकल कोई भी मसाले नहीं है मेरे पास, कोई भी नहीं। 7 तारीख को दूध की आएगी ना कोई, मतलब देखते हैं राशन का उधर के उसके बाद जो है सकते हैं हम भांडे रंग देते हैं भांडे हाँ मैं सब कुछ कर देंगे। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, अब हम इसमें उबाल आने देंगे, ठीक है। तो जैसे हम बहुत काफी है खाने वाले ना, तो पानी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये ठीक हो गया, यही था आज का वीडियो, यहीं पे करते एंड। और अभी मैं आई हूँ घास को, फिर मिलूंगी आपसे शाम के टाइम दूसरी वीडियो में। और कल आप लोगों ने पूछा था कि आप क्या बता रहे हो, मतलब क्या समझा रहे हो, जो था समझाने का कुछ, तो मैं शाम के टाइम आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या इवेंट है वो बिलासपुर में ना। और किसी और को पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जय माता दी, राम राम।